गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये है हमारा डे टू और हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गए थे और उठते ही हम लोग जाके आए हैं बीच, और बीच जाने के बाद हम लोग आ गए थे पूल ताकि हम लोग थोड़ी सी स्विमिंग विमिंग कर लें और नहा धो के फिर निकलते हैं। हम लोगों को आज इस होटल में चेकआउट है और हम लोगों ने जाना है दूसरे होटल, उसके बाद हम लोगों ने जाना है आइलैंड। तो अभी हम लोग जस्ट आए तो थे लेकिन स्विमिंग करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे और चेंज करके इसके बाद जाएंगे हम लोग अपने दूसरे होटल। यू यू यू, अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने क्योंकि हमें करना है ब्रेकफास्ट। भूख लग रही है, हमें यार सुबह से बहुत भूख लग रही है, सुबह उठ गए ना जल्दी इसके बाद और मुझे दुख है, मेरा शक रह गया, मुझे बार बार ध्यान आ रहा है ना सुंदर गाना। अब ऐसे तो मत बोलता, मुझे ज्यादा रिग्रेट होता है जब मेरे को ऐसे कुछ पता लगता है। तो हर चीज छोड़ती चलती है, मैंने वहां पे अपना वो स्नैक्स भी छोड़ दिए थे लाइन में। सही बात है ना, मुझे आदत है शायद ऐसे। और फोन भी वहां पे रख रही थी एकदम सी की साइड में, अगर नासे देख रहे होते तो बोलते यही रख दो चार लहरे ले जाए। यार सही ऐसे बात नहीं है, हद है यार, सही बात है। वैसे तो मतलब ऑलमोस्ट श्रेक भी चला ही गया था। हाँ सही बात। A few moments later. So, हम लोग हो चुके हैं फिट टू रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सामान पैक है और इसके बाद हम लोग करेंगे सीधे चेक आउट। ठीक है, आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर फ्रूट और मिल्क शेक, और उसने एक इडली ली थी जो ख़त्म भी कर दी है। तो फाइनली ब्रेकफास्ट करके तो हम लोग आ चुके थे और अब हमारा टाइम है दूसरे होटल में जाने का। तो अभी तर से करते हैं चेकआउट और चलते हैं दूसरे होटल। दूसरे होटल से जाएंगे हम लोग डायरेक्ट अपने पैराडाइज बीच। सो लेट्स गो। A few inches later. We have reached Paradise Beach. और यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री टिकट ले ली है और इतनी को गर्मी है कि पूछो मत यार, और ट्रैफिक रूल्स ज़ीरो और इधर से अभी बस एंट्रेंस है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बैक वाटर्स करेंगे या फिर हम लोग बीच राइड लेंगे। तो अभी पहले हम लोग बीच के बाद पहुँचते हैं। फाइनली हम लोग आ तो चुके हैं, तो अब हमें इधर से लेनी है अपनी फेरी और फेरी से जाएंगे हम लोग और इधर से जाएंगे आइलैंड। और उधर है बैक वाटर्स, वो जो पीछे मेरे को लग रहा है पेड़ दिख रहा है उधर होंगे बैक वाटर्स। तो इन्होंने क्या कहा था, हमें लेने की टिकट ओके। सो ये रही हमारी बोट, इस पर चलते हैं हम लोग और राइट शुरू। इधर को बैठते हैं क्योंकि यार इधर को यार पता नहीं जब चलेगी तो किस साइड पर जाएगी। सही बात है, ओ गॉड सेट। और ये रहा व्यू, कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। सो फाइनली हमारी चलनी शुरू, इतनी को आवाज़ आ रही है बोट की और ठंडी हवा लग रही है तो इतनी गर्मी। कितने प्यारे इधर नारियल के पेड़ हैं साथ में और ये कहते हैं हम बोट इसको क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आइलैंड में। और अब हम लोग जा रहे हैं इधर, देखते हैं कि आगे क्या है। पैराडाइज बीच है वैसे, से हम लोग परे से आए हैं तो अब चलते हैं आगे देखते हैं। ये है एंट्रेंस इधर की जिसमें बहुत पेड़ ही पेड़ हैं, इधर ब्यूटीफुल है। और ये है इधर बैठने के लिए बने हुए, ये है सामने का व्यू कुछ। और ये इतना इसको सुंदर और इतनी रेत गर्म है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जो सामने व्यू है ना तो चेक करो। और मेरी हैट उड़ती जा रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि पूछो मत, और रेत इतनी उससे गर्म है यार। लेकिन अभी चलते हैं उधर तक, पहुँचते हैं आगे तक फिर देखते हैं। और इधर देखो छतरी लेके चले गए लोग साथ में। यार मुझे लगता है चप्पल हाथ में ले लेनी चाहिए, बिल्कुल बहुत गर्म है ब्रो, रे है ना, चल ही नहीं पाऊंगी। चप्पल हाथ में ले लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं चल पाऊंगी ब्रो, चप्पल नहीं हाथ में है। पर इससे तो वॉक करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तो रही है पर गर्म बहुत है, मुझे तो थोड़ी सी भी रेत लग रही है, वाइट से टैनिंग होगी। तो
मैंने ट्राई किया कि मैं बिना चप्पल के वॉक करूँ इधर, क्योंकि चप्पल में वॉक करना थोड़ा ईजी नहीं लग रहा, लेकिन भाई बिना चप्पल के तो बिल्कुल वॉक नहीं हो पा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म रहता है। अच्छे से टैनिंग होगी, अच्छे से टैनिंग लेके जाए। वाह गॉड यार कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल ब्लू भाई, बिल्कुल ब्लू, बहुत सुंदर है। ये रहा भाई इतना सुंदर बीच, गजब। फाइनली इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूरे टैन होके थोड़ी देर बीच पे बैठ के हम लोग अब वापस जाने लगे हैं घर, सो लेट्स गो।